इंद्रती देवी के गणतंत्र दिवस का संदेश ना पढ़ पाने को लेकर अब कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां बीजेपी इस मसले को लेकर कमलनाथ सरकार पर तंज कस रही है, तो वहीं आम जनता भी ट्विटर पर इमरती देवी को मंत्री बनाए जाने को लेकर सवाल कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की पत्नी रुबीना शर्मा सिंह ने भी कमलनाथ सरकार पर कटाक्ष किया है। रुबीना ने ट्वीट कर कहा कि महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी गणतंत्र दिवस पर कुछ लाइनों का भाषण भी नहीं पढ़ पाई, ये काफी शर्मनाक है। उन्होंने अपने पति को टैग करते हुए लिखा कि इस तरह के लोगों को आपके ऊपर तरजीह देकर मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस के मौके पर कमलनाथ सरकार में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अपनी स्पीच पूरी नहीं पढ़ पाई और बीच में ही उन्होंने कलेक्टर से उसे पढ़ने को कहा। आपको ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी फिर से ज्वाइन की थी। इससे पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। चुनाव परिणाम के आने के साथ ही लक्ष्मण सिंह को मंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।